हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद मेकअप लुक नंबर 2। इस बार की ईद सबके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आप लोग बाहर तो जा नहीं सकते, तो सब घर पर अपनी फैमिली के साथ ही ईद मनाने वाले हैं। तो ईद पर आप ये मेकअप लुक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी स्किन पर मैं अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स का फेस सीरम। ये है गुड वाइब्स का फेशियल आर्गन ऑयल। इसके साथ दिए गए ड्रॉपर की हेल्प से मैं इसे अपनी स्किन पर अप्लाई कर रही हूँ और फिर हल्के हाथों से मसाज करते हुए मैं इसे अपने पूरे फेस और नेक पर अप्लाई कर लूँगी। ये बिना स्किन को ऑयली बनाए आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ड्यूई प्राइमर। इसे अप्लाई करने से स्किन में रेडिएंट ग्लो आ जाता है और फाउंडेशन के नीचे से स्किन बहुत ग्लोइंग लगती है। देखिए प्राइमर लगाने के बाद मेरी स्किन कितना ग्लो कर रही है। मैं शुरू करूँगी आई मेकअप से, और इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी अंडर आईज और आईलिड्स पर अप्लाई कर रही हूँ NYBA का लिक्विड कंसीलर। ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, इसलिए मैं इसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ लॉरियल के मैट मैजिक कॉम्पैक्ट पाउडर से। सबसे पहले मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश पर मैट ब्राउन आई शेडो ले लूँगी और इसे अपनी क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर लूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड। इसके बाद मैं ये वाला पर्पल आई शेडो एक पेंसिल ब्रश पर ले लूँगी और इसे मैं बैक एंड फोर्थ मोशन में अपनी क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। ये स्टेप मैं 2-3 बार रिपीट करूँगी और इस कलर को धीरे धीरे बिल्डअप करूँगी। इसके बाद मैं सेम ब्रश के ऊपर ये वाला डार्क ब्लू आई शेडो ले लूँगी और अगेन इसे भी अपनी क्रीज लाइन पर ब्लेंड करते हुए अपने इनर और आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं लाइट पिंक आई शेडो एक ब्लेंडिंग ब्रश पर ले लूँगी और इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना रहे। इसके बाद मैं ये वाला गोल्ड लूज पिगमेंट एक फ्लैट ब्रश पर ले लूँगी और इसे अपनी आईलिड के सेंटर में अप्लाई कर लूँगी। सेम तरीके से मैं अपनी दूसरी आईलिड पर भी इसे अप्लाई कर लूँगी और इसके एजेस को ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास ये लूज पिगमेंट ना हो तो आप गोल्डन आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में मैं थोड़ा सा और ब्लू आई शेडो अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई कर लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल से। आप अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए कोई भी जेल आईलाइनर या कोई भी डार्क आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मिस्टेक वर्की के बैडेस काजल को अपनी अपर लैश लाइन पर अप्लाई कर लूँगी आईलाइनर की तरह। इसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश पर ब्लैक आई शेडो ले लूँगी और इसकी हेल्प से अपने आईलाइनर को स्मज कर लूँगी। इसके बाद मैंने फेक आईलैशेस अप्लाई कर ली है और अब मैं ब्लू हेवन के कंसीलर को एज अ फाउंडेशन अपने चेहरे पर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। ये कंसीलर मेरी स्किन टोन से 2-3 शेड लाइटर है, इसलिए इसे मैं एज अ हाइलाइटिंग कंसीलर यूज़ करती हूँ। आज मैंने इसे एज अ फाउंडेशन अप्लाई किया है, तो इसे बैलेंस करने के लिए मैं कॉन्टोरिंग वगैरह अच्छे से कर लूँगी। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ क्रीम कॉन्टोर। सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपने क्रीम कॉन्टोर को भी ब्लेंड कर लूँगी। कंटूरिंग करने के बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ लॉरियल का मैट मैजिक कॉम्पैक्ट पाउडर। इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आईज, जॉ लाइन, फॉरहेड,
नोज और चिन पर, और इसकी हेल्प से मैं अपने फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। इसके बाद मैं अपने क्रीम कंटूर को भी सेट कर लूँगी ताकि वो ट्रांसफ़र ना हो। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाईलाइट एंड कंटूर पैलेट। स्माइल करते हुए अपने चीक्स पर मैं अप्लाई कर रही हूँ पिंक ब्लशर। इसके बाद स्टे क्वर्की के बैडेस काजल को मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने अपर एंड लोअर वाटर लाइन पर। इसके बाद एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं डार्क ब्लू आई शेडो अपनी लोअर लैश लाइन पर स्मच कर लूँगी। इसके बाद सिवाना के हाइलाइटर से मैं अपनी ब्रोबन को हाईलाइट कर लूँगी, साथ ही मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अपने इनर कॉर्नर्स पर भी। अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ सिवाना का शाइनिंग स्टार शिमर ब्रिक हाइलाइटर। इसे मैं एक फैन ब्रश की हेल्प से अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स पर अप्लाई कर लूँगी। थोड़ा सा हाइलाइटर मैं अपने फॉरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, चिन और क्यूपिड्स बो पर भी अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं अपने लोअर लैशेस पर अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। मैंने अपने लिप्स की आउटलाइन बना ली है और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ NYBA की क्रीमी मैट लिपस्टिक। इसका शेड नेम और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। और सबसे लास्ट में मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे। एंड दिस इज द फाइनल लुक। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।